एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप हैं यहाँ पर 10वीं पास, 12वीं पास, मेल फीमेल फ्रेशर्स और चाहते हैं यहाँ पर पक्की सरकारी नौकरी पाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो यहाँ पर निकल गई आप लोगों के लिए भर्ती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करी जाए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है, तो मल्टीपल्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के लिए आउट हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए वो वैकेंसी कवर करेंगे जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पहली वैकेंसी के साथ, जो कि रहने वाली है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहां पर ग्रेजुएट। उसी के साथ साथ यहां पर आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट यहां पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। पोस्ट निकली है यहाँ पर आप लोगों के लिए 6-32 साल तक की यहाँ पर आपकी उम्र मांगी गई है। लेवल 2 के तहत यहाँ पर आपको सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, वो निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहाँ पर 10th पास, या फिर अगर आपने यहाँ पे ITI करी हुई है तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट निकली है यहाँ पर आप लोगों के लिए 5-18 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 32 साल तक की यहाँ पर आपकी उम्र मांगी गई है। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का। यहाँ पर और भी तरीके की पोस्ट आउट हुई है, जैसे कि असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की एंड UDC की। उन वैकेंसीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को रीड कर लीजिएगा। अगर आप करते होंगे इन्हें फुलफिल, तो आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये आपको दो तरीके से अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। आपको दोनों ही तरीकों से अप्लाई करना है। इसमें से अगर आप किसी भी एक तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उस पर लिंक पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी है, जो कि रहने वाली है 500 रुपए। अगर आप यहाँ पर ST SC PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई फीस पे नहीं करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने फिल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, अपने पेमेंट का डिटेल का प्रिंट आउट लेना है, फिर दोस्तों उसके साथ आपको अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एक एनवलप में पैक करने हैं, फिर वो आपको सेंड करने हैं। आपको वो कहां पर सेंड करने हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपको वो सेंड करके दोस्तों भेजने हैं टू द रजिस्ट्रार, तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर 784028 असम। यहाँ पर दोस्तों ये आपको सेंड करने होंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 15 मई 2024, एंड ऑफलाइन फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर 25 मई 2024। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपको इन दोनों तरीके से अप्लाई करना है। बाकी की जानकारी के लिए एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एडवर्टीजमेंट को आप अपने आप गो थ्रू करते रहिएगा। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट को रेगुलरली गो थ्रू करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।